50 के दशक से 70 के दशक तक चर्चाओं में रही अभिनेत्री नंदा कर्नाटकी, जिन्हें न सिर्फ उनकी बेहतरीन फिल्मों बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी जाना जाता है। नंदा ताउम्र अविवाहित रही। नंदा के घर वालों ने उनकी शादी करने की खूब कोशिशें की, लेकिन वो नहीं मानी। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नंदा के प्यार में पागल थे, लेकिन एक्टर्स ने इनमें से किसी से भी शादी नहीं की। निर्देशक मनमोहन देसाई नंदा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन कभी अपने दिल की बात उन्हें कह नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वो नंदा जैसी दिखती थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही जीवन प्रभा का निधन हो गया। ऐसे में नंदा और मनमोहन देसाई एक बार फिर करीब आए और साल 1992 में 52 साल की उम्र में नंदा ने मनमोहन देसाई से सगाई की, लेकिन सगाई के कुछ समय बाद ही अपने घर की बालकनी से गिरकर मनमोहन देसाई की मौत हो गई और नंदा एक बार फिर से अकेली रह गई। इस घटना के बाद से नंदा ने खुद को घर में कैद कर लिया और एक विधवा की तरह जिंदगी गुजारने लगी। नंदा जब भी बाहर नजर आई वो हमेशा सफेद साड़ी में ही नजर आई। 25 मार्च 2014 को हार्ट अटैक की वजह से नंदा का निधन हो गया था।